आज हम लोग क्लास 11 का पाठ गणितीय आगमन का सिद्धांत की प्रश्नावली 4.1 करेंगे। तो जिसके अंतर्गत देखिए क्वेश्चन लिखा है सभी n, देखिए इस प्रकार लिखा है, सभी n अवयव हैं कैपिटल N, है ना, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का n को एक अवयव है, के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, ठीक ना। तो ये हमको सिद्ध करना है, ये इसका बायां पक्ष, ये इसका दायां पक्ष। तो देखिए गणितीय आगमन का सिद्धांत में क्या करते हैं, तो इसको सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना दिया गया कथन PN है, ठीक ना। तो इसको हम पी एन मान लेते हैं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे पी एन, ठीक ना, ये डबल डॉट होता है, कॉलन बोलते हैं इसको। फिर इसको पूरा लिखेंगे हम, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर + 3 की घात n - 1 बराबर 3 n, और ये माइनस वन नीचे है 2, ठीक ना। तो पहले तो हमने इसको पी एन के बराबर मान लिया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, तो हम पहले n का मान 1 रखेंगे इसमें, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये बायां पक्ष जो होता है ये होता है, इसमें देखिए n का मान हमको 1 रखना है, तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए इसमें जो बायां पक्ष है, इसमें बोलते हैं हम, इसमें जो n होता है ये होता है n बराबर पदों की संख्या कहलाता है, ठीक ना, पदों की संख्या, ये हो गया। इसमें अगर हम बोलें n बराबर 1, तो हम इसमें लिखा हुआ सीरीज में हम केवल एक पद को ले लेंगे, और अगर हम n बराबर 2 लेंगे तो हम शुरू के दो पद को ले लेंगे, तो इसका मतलब 3 और 1 4 हो जाएगा। तो दो पद का n बराबर 2 का मान हमको बाईं तरफ 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। और अगर एक पद है, मतलब n बराबर 1 है, इसका मतलब बाईं तरफ हमें एक पद को लेना है, ठीक ना। तो n बराबर 1 पर पहला पद 1 है, ठीक ना, तो इसमें याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें n बराबर मतलब n का गणितीय मान रखना है बस, ठीक ना, इसमें बस वैल्यू रखनी है हमको, n का मान 1 है तो इसमें हमको बस जहां हमको n दिखाई देगा वहां हमको n का मान रख देना होगा, ठीक ना। तो अब देखिए n बराबर 1 के लिए हम इसमें मान रखते हैं, देखिए 1, तो क्या होगा, इसमें हम बोले थे पहला पद, मतलब n बराबर 1 मतलब पहला पद, एक पद लेना है, तो देखिए एक पद ये है, है ना। इसमें पूरा n का मान 1 रख के इसको हल करने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल एक पद हमने ले लिया, ये ले लिया बराबर। अब हम इसमें n का मान रखेंगे बस, n बराबर 1 - 1/2, ठीक ना। तो इसको देखिए हल करेंगे कितना जाएगा, देखिए 3 का घात 1 मतलब 1 2 3 ही आया, 3 में से 1 गया 2/2, तो देखिए कट कर बराबर 1 आ गया, ठीक ना। तो 1 बराबर ये 1 प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो लिखेंगे जो सत्य है, मतलब इसका बायां पक्ष में 1 आ गया, और दाएं पक्ष में जब रखे तो भी हमको 1 प्राप्त हो गया, तो दायां और बायां पक्ष दोनों बराबर है, इसलिए n बराबर 1 पर ये कथन सत्य है, ठीक ना। ये ऐसे ही हर क्वेश्चन को करना है। अब हम क्या करेंगे, हम एक n बराबर k रख के देखेंगे, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए पी के सत्य है, ठीक ना। तो मतलब सारा कथन को हम जहाँ यन यन लिखा हुआ है वहाँ हम इसको के कर लेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पी के, ठीक ना, ये वा इसी में यन का स्थान पर के रख देंगे, बराबर 1 + 3 +
3 के घात 2 प्लस और ये 3 के घात k और ये माइनस वन, ठीक ना। ये माइनस वन ऊपर है और इस क्वेश्चन में माइनस वन नीचे है, ठीक ना। तो n ये और ये माइनस वन बट ए दो हो गया। तो इसको हमने पहले क्या सीधे k में बदल लिया, ठीक ना। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है। सबसे पहले इसमें एक मान रख के चेक कर लेंगे कि सत्य है, तो सत्य है तो आगे क्या करेंगे, जहाँ भी n है वहाँ पर हम k रख लिए, मतलब इस पूरे पूरे कथन को हमने k में बदल लिया। बस अब क्या करेंगे, अब हम इस पर k प्लस वन रखेंगे। तो देखिए लिखेंगे अब किसी धनात्मक पूर्णांक k के लिए माना, ठीक ना, माना p के सत्य है। अब लिखेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे पी के प्लस वन सत्य है, ठीक ना। तो अब जहां भी एन है वहां के प्लस वन रखेंगे। तो देखिए अब हमको क्या करना, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अभी तक हम ये जो था के रूप में था, तो ये हमने बताया कि ये के पद हैं, ठीक ना। ये बायां पक्ष में जो भी होता है उसको हम बोलते हैं कि ये पदों की संख्या है। अगर यहाँ पर एन लिखा तो इसका मतलब यहाँ एन पद थे, ठीक ना, एक दो तीन चार पाँच छः अप टू एन पद तक, ठीक ना। तो इसमें अब देखिए यहाँ के पद तक है, ये के पद हैं। अब इसमें बोलता है के प्लस वन, मतलब के जितने भी पद हैं उसमें एक पद और भी जोड़ना है इसमें, ठीक ना। हम इसमें के प्लस वनवा पद भी रखेंगे इसमें, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं पी के प्लस वन बराबर वन प्लस थ्री के घात दो प्लस और ये हो गया 3k माइनस वन, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये ना k पद हैं, ठीक ना। पदों की संख्या कितनी है, k पद है, मुझे k प्लस वन पद तक चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक k प्लस वन का पद भी ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पर जहाँ n है वहाँ पर हम k प्लस वन रखेंगे, ठीक ना। तो हमको अगला पद भी ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 k है तो यहाँ पर k प्लस वन और फिर ये माइनस वन, ठीक ना। यहाँ पर k का स्थान पर k प्लस वन रख लिया और ये माइनस वन है तो माइनस वन है बराबर। अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ भी है या तो इसमें रखिए, यन के स्थान पर अब हम के प्लस वन रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, के प्लस वन प्राप्त हुआ और माइनस बटे ये दो हो गया, ठीक ना। तो क्या किया, यन के स्थान पर हम के प्लस वन रखे हैं, ठीक ना। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये है के प्लस वन वा पद, ठीक ना। और के पद हैं, है ना, पदों की संख्या कितनी है, तो ये के पद है और एक ये के प्लस वनवा पद लिख लिया। तो इस प्रकार हमको यहाँ क्या, कुल कितने पद प्राप्त हो गए, तो इस प्रकार हमको क्या मिला, कुल के प्लस वन पद प्राप्त हुए, ठीक ना। जैसे अगर यन होता एक पद और तो यन प्लस वन, तो ये के पद हो गए, के प्लस वनवा पद हो गया, तो कुल मिलाकर के प्लस वन प्राप्त हो गया हमको, ठीक ना। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर p k प्लस वन वन प्लस थ्री प्लस तीन के घात दो तीन के माइनस वन प्लस k, देखिए कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा तीन के घात k बराबर ये है तीन k प्लस वन माइनस वन बटे दो, ठीक ना। तो अब हमको क्या करना है, हम बायां पक्ष लेंगे और दायां पक्ष लेकर आएंगे। तो देखिए कैसे होगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पर बायां पक्ष, बायां पक्ष में क्या है, वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री के माइनस वन प्लस थ्री के, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक तुमको मालूम है, जैसे ये हैं के पद, पदों की संख्या कुल के पद हैं, ठीक ना।
तो के पद हैं तो इसका मान क्या था, ठीक ना, ये के पद हैं, देखिए ये रखा है, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, ये है, तो हम इसका इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए 3k-1/2 + 3k हो गया, ये जो लिखा हुआ है। अब इसको हल कर लेते हैं, 3 × 2 = 6 लघुत्तम ले लेंगे, 3k-1 + 3 × 2 = 2 × 3k / k/2 हो गया, ये डॉट में है, ठीक ना। तो अब इसको अगर हल करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 3 की घात ये वाला जो है एक साथ लिख लेते हैं, तो देखिए इसको मिटाना है, इसे यहीं लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर जाएगा 3 की घात k कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा, देखिए इन दोनों में हो जाएगा, यहाँ बचा देखिए 1 + 2 और ये -1 है, इसको किनारे रख लिया, 2, तो इस प्रकार देखिए आ जाएगा 2 और 1 = 3, तो 3 और 3 की घात k -1/2। अब देखिए जानते हैं हम कि 3 की घात 1 होता है ये, तो हम लिख सकते हैं इसको 3k + 1 - 1/2, तो हमारा देखिए दायां पक्ष आ गया, देखिए ये दायां पक्ष है, ठीक ना, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं, तो देखिए इसके आगे लिख देते हैं इस प्रकार PK+1 सत्य है जब कभी, ठीक ना, जब कभी PK सत्य है, ठीक ना, जब PK सत्य है तभी PK+1 सत्य होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए ये सिद्ध हो गया, तो लिख सकते हैं अतः, लिखेंगे अतः, लिखेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं, है ना, यन के लिए कथन PN सत्य है, ठीक ना। तो इस प्रकार हम हल करेंगे, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 हल हो गया, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 2 है, तो इसको भी हम लिखेंगे, देखिए हल करेंगे, तो पहले दिया गया कथन को हम PN मानेंगे, तो PN, ठीक ना, फिर लिखेंगे इसको पूरा लिख लेंगे, 1 का 3, 2 का q, 3 का q + और n का q, ठीक ना, पूरा पूरे कथन को पहले PN मानते हैं, तो n n + 1/2 k/2 हो गया, ठीक ना, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, n = 1 के लिए, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, इस बाएं पक्ष से एक पद लेंगे, है ना, n = 1 बाएं पक्ष के लिए पदों की संख्या होता है, तो हम यहाँ पर n ले लेंगे, तो लिखेंगे देखिए PN, ये 1 हो गया, बराबर, अब यहाँ पर एक मान रख लेते हैं सबका, तो 1, 1, ठीक ना, सब जगह रख लिया, तो देखिए इसको हल करेंगे, तो 1 तो 1 ही रह गया, 1, 1, 2, और 2 का आधा ऐसे 2/2 मतलब 1 का स्क्वायर = 1, है ना, तो लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, ठीक ना, n = 1 के लिए PN सत्य है, ठीक ना, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, पूरे कथन को हम के रूप में लिखेंगे, तो लिख लेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए माना
सीधा लिखेंगे, माना माना पी एन सॉरी पी के, ठीक ना, पी के ले लेते हैं अब, पी के सत्य है। तो के रूप में सबको लिख लेते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे पी के, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब प्लस के का क्यूब, है ना, एन के स्थान पर के रख लेंगे, बराबर के के प्लस वन बटे दो का स्क्वायर, इसी को लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, के प्लस वन लेंगे, ठीक ना, ठीक ना। तो ये सब स्टेप है, पहले एन बराबर, पहले सबको सारे कथन को पहले पी एन मानेंगे, फिर एन बराबर एक रख के देखेंगे कि इसका ये और ये दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं, सत्य हो गया। फिर क्या करेंगे, पूरे एन को के में बदल लेंगे, तो के में बदल लिया। अब क्या करेंगे, के प्लस वन रखेंगे इस पर, तो लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे करेंगे पी के प्लस वन सत्य है, ठीक ना। तो हम पी जहाँ के है वहाँ के प्लस वन रख लेते हैं, तो पी के प्लस वन रख लिया। तो क्या करेंगे, एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस, तो देखिए के का क्यूब हो गया, तो यहाँ तक देखिए के पद हो गया। अब हमको के प्लस वन रखना, मतलब के प्लस वन पद चाहिए, तो के प्लस वन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर के एन है वहाँ पर के प्लस वन रख देते हैं, ठीक ना। तो ये मिलेगा के प्लस वन के घात तीन बराबर, अब जहाँ जहाँ हमको यहाँ एन है वहाँ वहाँ हम के प्लस वन रख लेते हैं, तो वहाँ रखेंगे, देखिए यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, तो देखिए के प्लस वन हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर k प्लस वन रखेंगे तो k प्लस वन प्लस वन मतलब k प्लस टू हो जाएगा, ठीक ना। k प्लस वन यहाँ रखेंगे तो एक वन यहाँ भी तो है, तो k प्लस वन प्लस वन तो जाएगा k प्लस टू हो जाएगा बटे दो, आके पूरे के घात ये दो हो गया, ठीक ना, पूरे घात हो गया। बस यही चीज़ है, अब हम इसको लेके चलेंगे और हमको ये दायां पक्ष में इतना लेकर आना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब लिखे हैं देखिए बायां पक्ष, देखिए बायां पक्ष में क्या है, यही लिख लेते हैं। देखिए जहें कम है इसलिए हम इसी से काम चला रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं बायां पक्ष, ठीक ना। तो बायां पक्ष में ये चीज़ है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एक का क्यूब, टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस के का क्यूब प्लस ये हो गया के प्लस वन का क्यूब, ठीक ना। हम इसका बायां पक्ष ले लिए हैं, हम इसको ले के करेंगे तो ये हमारा प्राप्त होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान तो दिया हुआ है ना, के पदों तक का मान देखिए ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसके इनके स्थान पर हम इसका उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक ना, और इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ रख लेते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है के के प्लस वन बटे दो, अब पूरे के घात ये दो, और प्लस ये के प्लस वन लिखा हुआ है, के प्लस वन के घात तीन हुआ है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इस दो को बांट लेंगे, ठीक ना, थोड़ा हल करना है इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए के का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा के प्लस वन का स्क्वायर, के प्लस वन के घात दो बटे ये दो दो चार हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा k प्लस वन के घात तीन हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे हम, तो इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो देखिए k स्क्वायर k प्लस वन का स्क्वायर प्लस चार एकम चार हो जाएगा, चार और k प्लस वन के घात तीन हो गया, पूरे के बट्टे में ये चार लिख दिया, ठीक ना। अब देखिए इसमें हमको चाहिए क्या, हमको इस प्रकार चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर k प्लस वन अगर कॉमन है तो हम कॉमन निकाल लेंगे, तो देखिए कॉमन निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, k प्लस वन के घात दो कॉमन है, ठीक ना, दो और तीन, तो छोटा घात निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा k स्क्वायर और यहाँ पर कुछ नहीं, स्क्वायर तो पूरा चला गया, प्लस और यहाँ पर एक k प्लस वन बच जाएगा, तो ये रहा k प्लस वन एक बच गया,
बटे ये चार हो गया, फिर लिखेंगे के प्लस वन के घात दो, ठीक ना, बटे चार, यहाँ भी चाहे तो लिख सकते हैं, इधर हो गया। और ये देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन, अंदर कोष्टक कर लेते हैं, खोल लेते हैं, चार फोर के प्लस फोर, तो इस प्रकार आया। देखिए इसे गुणनखंड कर लेते हैं, तो एक बटे चार के प्लस वन के घात दो, और ये आया, देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो जाएगा के प्लस टू का होल स्क्वायर है ये, ठीक ना, ये है के प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये बटे चार ऐसे लिख दिया, ठीक ना, देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, ये दो का वर्ग है, तो हम इसको लिख सकते हैं के प्लस वन के प्लस टू बटे दो का ये पूरा घात दो लगा लिया, ठीक ना। तो अगर इसको वापस देंगे तो ये वापस ये प्राप्त हो जाएगा। और देखिए यही चीज़ हमारा दायां पक्ष में था, तो हम यहाँ लिख लेंगे दायां पक्ष, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए क्या हो गया, अब इसके नीचे एक लाइन लिखते हैं, उसको हम लिख लेते हैं, देखिए पूरा नहीं मिटाते हैं, बस यहीं पर हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तो यहीं लिखते बन जाएगा। तो लिखेंगे इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य है ना, जब कभी, है ना, जब कभी पी के सत्य है ना, जब पी के सत्य है तभी पी के प्लस वन सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी प्राकृत संख्याओं किसी प्राकृतिक संख्याओं यन के लिए कथन पीएन सत्य है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर दो हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीन है, तो देखिए लिखा है वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू, वन प्लस टू प्लस थ्री, वन प्लस, है ना, इस तरह यन पद दे रखे हैं इसमें, तो इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए ये लिखा है प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक ना। तो देखिए इसमें आता क्या है, ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस इस प्रकार एन तक है। तो देखिए यन प्राकृतिक संख्याओं का योग देखिए आता है यन, यन प्लस वन बटे ये दो आता है, ठीक ना, ये होता है। और अगर चाहें कि कैसे होता है तो अपने क्लास टेन में एपी जरूर पढ़ा है, ठीक ना, एपी समांतर श्रेणी पढ़ा है, तो उसके अंतर्गत देखिए हम पता है यन पदों का योगफल क्या होता है, हम इसका योग ही कर रहे हैं, यन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक ना, ये हमने पढ़ा है, इस पर हम मान रख देते हैं, तो हमको प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए एन है, एन एन पद ही है, इसमें पहला पद क्या दिया है, एक दिया हुआ है, और एन माइनस वन, और सार्वअंतर कितने का है, दो में से एक गया एक, या तीन में से दो गया एक, है ना, सब में अंतर एक ही है ना, ये ए पी में ही है। अब इसको देखिए हल कर लेते हैं, n बटे दो, दो एक कम दो प्लस n माइनस वन, है ना, एक गुणा वही चीज़ आ जाएगा, तो ये आया देखिए n बटे दो, दो में एक गया एक, तो इस प्रकार n, ये देखिए योगफल आ गया, ठीक ना। तो इसलिए आपको प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग याद कर रखिएगा, n n प्लस वन बाई टू होता है। तो हम इसके स्थान पर हमको ये लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ठीक ना, इन सबका जरूरत नहीं है, ठीक ना, ये हमने आपको बताया बस। तो इसको हम फिर से एक बार लिख सकते हैं, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस देखिए वन अपॉन, जब इसका मान ये आया है तो हम यहाँ रख देते हैं यहाँ पर, तो ये जगह यन यन प्लस वन, अब बटे दो लिखेंगे तो बटे दो का ऊपर चला जाएगा, तो ये जगह दो हो जाएगा, और बराबर टू यन बटे यन प्लस वन, ठीक ना, ये पूरा लाइन लिखा हुआ है। अब इसके आगे हम इसको हल करते हैं।
तो इसमें देखिए पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे हल माना, क्या करेंगे इसको पहले पी एन मानेंगे, पी एन बराबर है ना, सेमी कॉलन लगाते हैं, बराबर नहीं लगाते, 1/1 + 2, 1/1 + 2 + 3 प्लस 2 n n + 1 बराबर 2 n n + 1, ठीक ना, इतना ले लिया। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, तो बाई तरफ में क्या है, n का मतलब एक पद है ना, पदों की संख्या है, और इस तरफ मान रखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे p 1 बराबर 1, ये पहला पद ही है, बराबर ये यहाँ 2 × 1/1 + 1, तो इसको 2 × 1 = 2 और 2/2 तो कटकर 1 प्राप्त हो जाएगा, तो 1 = 1 आया, तो लिख सकते हैं जो कि सत्य है, ठीक ना, वही वही स्टेप हमेशा इसको करना है, n बराबर 1 के लिए कर लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए माना p के सत्य है, ठीक ना, तो पी के सत्य है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k लिख लेते हैं, तो लिखेंगे पी के बराबर 1 + 1/1 + 2, 1/1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश प्लस 2, यहाँ लिखेंगे k और k + 1 बराबर 2k/k + 1, ठीक ना, तो k + 1 में लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, k + 1 सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे करेंगे p k+1 सत्य है, तो जहाँ n है वहाँ k + 1 रखेंगे हम लोग, तो देखिए ये हो जाएगा k+1 बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, यहाँ पर एक सेमी कॉलन, ये इस प्रकार, ठीक ना, तो जहाँ जहाँ है हमको k+1 रख देंगे, तो 1 + 1 1 + 2 + 1 + 2 + 3 प्लस प्लस ये हो गया, यहाँ पर रख देखिए, ये है k k+1, ठीक ना, यहाँ तो k पद हो गया, यहाँ से यहाँ तक k पद हो गया, अब हम k+1 वहाँ पद भी लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे यहाँ देखिए 2/, देखिए क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ हम k+1 रखेंगे, हम तब हमको k+1वां पद प्राप्त होगा, ये होगा k+1, n के स्थान पर k रखा, k+1 रखा, यहाँ पर k+1 रख जब रखेंगे तो k+2 हो जाएगा, ये इस 1 के कारण, तो ये लिखेंगे हम k+2 बराबर, और यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 k+1/k+2 हो जाएगा, ठीक ना, तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक k पद है, और ये k+1वां पद लिख लिया हमने, और ये दाईं तरफ हमने जहाँ जहाँ n था वहाँ k+1 रख लिया। अब हम इसको बायां पक्ष ले के चलेंगे और हम दायां पक्ष ले आएंगे, तो हम लिखेंगे बायां पक्ष, ठीक ना, तो बाएं पक्ष में देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान दिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक का मान देखिए क्या दिया है, ये है, ये चीज़ दिया हुआ है, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं 2k/k+1, और ये जो लिखा है, ये जो k+1 आया है उसको लिख लेते हैं 2/k+1 और k+2, ठीक ना, इसको हल कर लेते हैं, इसका लघुत्तम निकल जाएगा, तो देखिए यहीं पर कर लेते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, ये जगह k+1 और k+2 हो जाएगा, ठीक ना, इनका लघुत्तम ये आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, जब हम उसमें से इसको भाग, इसमें इससे भाग करेंगे तो k+1 k+1 कट जाएगा, k
के प्लस टू बचेगा और उसका गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, टू के और के प्लस टू बचा प्लस, और जब उसमें जब इस सेम चीज़ से भाग दे देंगे तो भाग करेंगे तो वन बचेगा, वन गुणा टू में कर देंगे तो ये टू आ जाएगा। अब अंदर कोष्ठक कोड़ लेते हैं, ये देखिए इसका गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो जगह टू के स्क्वायर प्लस और दो दुनी चार के प्लस दो बटे के प्लस वन और के प्लस टू आया। इसमें टू 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 कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं तो जगह के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन बटे के प्लस वन के प्लस टू। देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको ये के प्लस वन का होल स्क्वायर का है ये, है ना, इसको हल करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के तो ये प्राप्त हो जाएगा हमको, और बटे में के प्लस वन और के प्लस टू लिखा हुआ है। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, टू के प्लस वन बटे के प्लस टू। तो देखिए ये आ गया दायां पक्ष आ गया, ठीक ना, तो इस प्रकार ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य है जब कभी पी के सत्य है, ठीक ना। तो इसके बाद लिख सकते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी भी प्राकृतिक संख्या ठीक ना एन के लिए कथन पी एन सत्य है, ठीक ना। तो यही लिख देते हैं या फिर वही हर बार वही स्टेटमेंट लिखा जाता है तो लिख लेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी प्राकृतिक संख्या या सभी प्राकृतिक संख्या, ठीक ना, यहाँ लिख सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं यन के लिए कथन पी एन सत्य है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर तीन देखिए हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर चार देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर चार है तो इसको पूरा कथन मान लेते हैं, पी एन बराबर लिखेंगे वन प्लस टू प्लस गुड़े है सॉरी गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार प्लस ये हो जाएगा एन एन प्लस वन और एन प्लस टू बराबर एन एन प्लस वन एन प्लस टू और एन प्लस थ्री बटे ये चार हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हमने पहले कथन को पी एन माना, अब हम इस पर एन बराबर एक रख के देखेंगे, लिखेंगे एन बराबर एक के लिए, तो एन बराबर एक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पी वन हो जाएगा। और देखिए बाई पक्ष में हमने बताया है कि जैसे एन बराबर एक का मतलब पहला पद, एन बराबर दो मतलब दो पद, है ना। तो इसमें पहला पद देखिए क्या है, एक गुड़े दो गुड़े तीन मतलब तीन दूनी छः, छः कम छः देखिए छः आ गया बराबर, वहाँ पर रखेंगे हम एक एक प्लस एक एक प्लस दो और एक प्लस तीन बटे ये चार हो गया। तो देखिए ये एक एक दो दो और एक तीन और तीन एक चार बटे चार, तो तीन दूनी छः आ गया, तो बायां और दायां दोनों छः आ गया, तो लिखेंगे जो कि सत्य है या जो सत्य है, ठीक ना। तो अब लिखेंगे हम किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए माना पी के सत्य है। तो क्या करेंगे, पूरा कथन जो है हम के रूप में लिख लेंगे बस, तो इसको लिखेंगे पी के वन डॉट टू डॉट थ्री
प्लस 2.3.4 प्लस प्लस के के प्लस 1 के प्लस 2 बराबर के के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3 बटे 4। ठीक ना, तो के के रूप में लिख लिया। ठीक ना, अब हम के प्लस 1 कथन को सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे पी के प्लस 1 सत्य है। ठीक ना, तो जहाँ जहाँ हमको देखिए ये रहा कथन, इसमें जहाँ भी है यहाँ पर n है वहाँ पर हम पहले तो हम k पद लिख लेते हैं। ठीक ना, k पद लिख लेंगे, फिर k प्लस 1वां पद भी लिखेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर p k प्लस 1 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस ये हो जाएगा k k प्लस 1 k प्लस 2। तो देखिए ये तो k पद लिखा हमने। ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक n पद था और ये यहाँ से यहाँ तक देखिए k पद है। अब हम k प्लस 1वां पद भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक ना, तो लिखेंगे प्लस, अब जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 रखेंगे। तो देखिए k प्लस 1 रख दिया, एक k प्लस 2 हो जाएगा और एक k प्लस 3 हो जाएगा। ठीक ना, एक प्लस वन करा। अब इसमें भी देखिए दाईं तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम k प्लस 1 लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा k प्लस 1, ये k प्लस 2 और k प्लस 3 और k प्लस 4 हो गया बटे ये 4 हो गया। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लेके चलेंगे और दाएं पक्ष में इतना हमको प्राप्त होना चाहिए। तो लिख लेते हैं यहीं पर बायां पक्ष, देखिए बायां पक्ष में ये पूरा लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार पूरा लिख सकते हैं 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस प्लस के के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस, अब ये पूरा लिख लेंगे, ये हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3। ठीक ना, यहाँ तक लिख लिया। ठीक ना, उसका बटे 4 है। अब देखिए यहाँ तक तो इसका मान दिया हुआ है। ठीक ना, ये k पदों तक का योग ये देखिए दिया हुआ है, k पदों तक का योग ये दिया हुआ है, तो इसके स्थान पे यहाँ रख लेते हैं हम। तो लिखेंगे k k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बटे ये 4 प्लस, इसको लिख लेते हैं k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3। ठीक ना, तब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए k k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 प्लस ये 4, 4 एकम 4 और k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 हो गया और ये पूरे के बटे ये 4 हो गया। ठीक ना, तो इसमें देखिए कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा k k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, देखिए पूरा कॉमन ही निकल गया। तो देखिए लिख लेते हैं इसको, ये आया k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 और ये जो बचेगा कॉमन में ये हो जाएगा k प्लस 4 हो जाएगा, पूरे के बटे में ये 4 आ गया। तो देखिए हमको दायां पक्ष प्राप्त हो गया, ये पूरा दायां पक्ष प्राप्त हो गया, तो यहाँ लिख लेते हैं दायां पक्ष। ठीक ना, तो इसके नीचे लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ लिख देते हैं इस प्रकार पी के प्लस 1 सत्य है जब कभी पी के सत्य है। ठीक ना, अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए कथन Pn सत्य है। ठीक ना, तो ये हमेशा इसको लिखा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा।
ठीक ना। तो प्रश्न नंबर चार हो गया, अब प्रश्न नंबर पांच देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पांच है ये, तो इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले दिए गए कथन को हम पीएन मानते हैं, तो लिखेंगे पीएन ये है 1.3, मतलब गुणे में है, 1:3 लिखा हुआ है, 2:3, 3:3 प्लस एन 3n बराबर 2n-1 3n+1 प्लस 3 बटे ये 4 हो गया, ठीक ना। तो पहले कथन को हमने पी एन मान लिया, अब हम एन बराबर 1 के लिए देखेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये सत्य है। तो एन बराबर 1 के लिए तो क्या करेंगे, जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे। देखिए बाएं पद में, बाएं पक्ष में क्या होता है, n बराबर 1 मतलब एक पद, तो एक पद कितना है, देखिए 3 × 1 इस पद को ही लेंगे केवल हम, ठीक ना। तो इसका क्या है, 1:3 है, मतलब 3 × 1 आ गया बराबर। अब यहाँ पर हम n का मान रखेंगे, ठीक ना, इसमें दाईं तरफ में n का मान जो होता है उसको रखा जाता है यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ रखेंगे, देखिए क्या प्राप्त होगा, 2 × 2 - 1 3 ये 1 + 1 + 3 बटे ये 4। तो देखिए 2 × 2 में 1 कम हुआ तो 1 आ गया, ठीक ना, गुणे 3 × 1 = 2 + 3 बटे 4। तो देखिए ये जगह 3 × 9 = 9, ठीक ना, 3 × 9 = 9, 10, 11, 12 बराबर 12/4, 4 × 3 = 12। तो देखिए ये आया, बायां पक्ष में 3, दाएं पक्ष में 3, लिखेंगे जो सत्य है, ठीक ना। तो हमने n बराबर 1 के लिए भी सिद्ध कर लिया, अब हम लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए माना पी के सत्य है, ठीक ना। तो अब हम जहां पे n है वहां पर हम k रख लेंगे, तो देखिए यहां रखेंगे पी के बराबर सेमीकॉलन, ये हैगा 1.3 + 2.3² + 3.3³ प्लस यहाँ प्लस 3k बराबर 2k-1 3k+1 और ये प्लस 3 बटे ये 4 आया, ठीक ना। तो ये हमने k के रूप में लिख लिया, अब हम k+1 को सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे पी के प्लस वन सत्य है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, के प्लस वन भी पद लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक तो के पद है, ठीक ना, और इसके बाद के प्लस वन भी पद लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम कि पी के प्लस वन, ये लिखा 1.3 + 2.3² + 3.3³ + k³, ठीक ना, यहाँ तक तो लिख लिया, ये k पद है। अब हम k प्लस वनवा पद लिखेंगे, तो k प्लस वनवा पद प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर n के स्थान पर k प्लस वन रखेंगे। तो देखिए k प्लस वन रख लिया और यहाँ 3k + 1 रखा गया। अब इसमें दाएं पद में देखिए, तो जहाँ n है वहाँ हम k प्लस वन रखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा k+1 - 1, ठीक ना, और ये हो गया 3 और k+1, 1+1, ठीक ना, यन के स्थान पर k+1 रखा और यहाँ पे प्लस 3 है बटे ये 4 हो गया, ठीक ना। तो देखिए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं कितना आएगा। देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा देखिए 2k, कोष्टक खोलेंगे, ठीक ना, 2k + 2 - 1, तो 2k और 2 में 1 गया, तो हो जाएगा 2k + 1
और ये k प्लस तीन के घात k प्लस टू है और प्लस थ्री बटे ये चार है, ठीक ना। इसको हल करने के बाद इतना प्राप्त हुआ और हमको बायां पक्ष हल करना है और हमको ये दाएं पक्ष में प्राप्त करना है, तो इसको हमको हल करना है पूरा और हमको वो लाना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे बायां पक्ष, तो देखिए पूरा बायां पक्ष यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं, लिख कर इसको हल करना है, थोड़ा समय जहें कम है तो हम इसको ना यहीं से हल कर देते हैं, ठीक ना। देखिए ये मान दिया हुआ है, ठीक ना, इसको पूरा एक बार यहाँ लिख लेना है, फिर इसके बाद हमको देखिए लिखा है के, है ना, यहाँ से यहाँ तक के पद है, के पद का मान देखिए ये हमको दिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक का मान ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम इसको उठा के पहले यहाँ लिख लेते हैं, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 2k माइनस 1 3 के पावर k प्लस 1 प्लस 3 बटे ये 4, अब प्लस ये लिखा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हम k प्लस 1 के घात 3k प्लस 1, ठीक ना। लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2k माइनस 1 3 के पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 3 के पावर k प्लस 1 बटे ये 4 चाहिए, ठीक ना, 4 हो गया। अब देखिए इसमें क्या चाहिए, ये हमको चाहिए तो क्या करेंगे पहले इसका गुणा कर लेंगे अंदर अंदर, ठीक ना। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, पहले खोल कर फिर जो कॉमन बनेगा उसको कॉमन बना लेंगे। देखिए इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2k और 3k प्लस 1, ठीक ना, इसका गुणा इसमें कर लिया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस 3k प्लस 1 प्लस 3 प्लस, अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो जाएगा 4, इसका 4 और ये हो गया 4k और 3k पावर k प्लस 1, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा प्लस 4 3k प्लस 1 बटे ये 4 हो गया, ठीक ना। तो अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये 43 मत समझिएगा, ये डॉट में है, ठीक ना, 4 है ना। अब देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एक साथ लिख लेते हैं पहले, कोई समस्या नहीं आएगा, 2k 3k प्लस 1 और इसको एक साथ लिख लेते हैं 4k 3k प्लस 1, ठीक ना। अब हम इसको साथ में लिख लेते हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं, तो लिखे लिखा 4 डॉट k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 1, अब प्लस 3 जो रह गया उसको लिख लेते हैं, ठीक ना, बटे में ये 4 तो है ही। अब देखिए इन दोनों में क्या करेंगे, हम 3 के घात k प्लस 1 कॉमन ले लिए, ठीक ना, यहाँ बचेगा 2k और यहाँ बचेगा 4k, ठीक ना, सिंपल सा। यहाँ बचेगा देखिए 3 के घात k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो मतलब 1 बचा प्लस 3, ठीक ना। अब ये हो जाएगा 4 दो 6 हो जाएगा, अब तो आ ही गया 6k और ये 3 के घात k प्लस 1 प्लस, और इसमें देखिए 3 में से 4 में से एक गया 3, तो जाएगा 3 और डॉट k प्लस 1 प्लस 3 बटे ये 4 हो गया। देखिए इस 3 6 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक ना, ये हो गया 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 गुणे 3 गुणे के है ये गुणे 3 है, ठीक ना। ये देखिए 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, और जब देखिए गुणांक क्या होता है, अगर आधार बराबर है तो घात जुड़ जाती है। देखिए 3 के घात k प्लस 1 है, 1 3 की घात 1 हो गया, तो इसको हम ले सकते हैं देखिए 2k और इसको ले सकते हैं 3 के घात k प्लस 2 लिख लिया, है ना, इन दोनों को आपने हल कर लिया और 2k बगल में लिख लिया, प्लस ये भी देखिए 3 घात 1 है, इसके संग जुड़ जाएगा, है ना, आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाती है, तो ये हो गया 3k प्लस 2 प्लस 3 बटे ये 4 हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें से देखिए k प्लस 2 कॉमन ले लिया, 3k प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये आया 2k और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 3 बटे ये 4 आ गया, ठीक ना। तो देखिए हमारा दायां पक्ष भी आ गया, ठीक ना, इसको इधर लिखा हुआ है और उसमें और इसमें इधर लिख गया है,
तो इसको चाहे तो हम इधर किनारे लिख लें, 2k प्लस 1 इधर लिख लिया, 3k प्लस 2 इधर लिख लिया, ठीक ना, प्लस 3 है, अब बटे में ये 4 हो गया, तो ये हमारा दायां पक्ष आ गया, ठीक ना। तो इसके आगे लिख लेंगे, देखिए इसके नीचे लिखना है हमको, तो हम यहीं साफ साफ लिख दे रहे हैं, आप लोग इसके नीचे ही लिखिएगा यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे इस प्रकार पी के प्लस 1 सत्य है जब कभी पी के सत्य है, ठीक ना। तो अब लिखिए, इसके बाद लिख लेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं यन के लिए कथन पीएन सत्य है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 6 है ये, तो प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे, देखिए पूरा जो कथन है उसको हम पीएन मानेंगे, पीएन ये लिखेंगे 1.2, 2.3, 3.4 प्लस यन प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा यन प्लस 1 यन प्लस 2 बटे 3, ठीक ना। तो ये हो गया, सबसे पहले यही स्टेप होता है कि पहले पूरे कथन को पीएन माना जाता है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम n बराबर n के लिए, 1 के लिए हम पहले इसको सिद्ध करेंगे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है कि नहीं। तो हम लिखेंगे जहां n है वहां 1 रखेंगे, 1.2, 2.3, 3.4 प्लस यहां लिखेंगे, देखिए सॉरी तो देखिए n बराबर 1 के लिए हम लिखेंगे, तो इसका मतलब हुआ देखिए n बराबर 1 के लिए जहाँ है n वहाँ 1 रखेंगे। तो देखिए बाई तरफ क्या होता है कि मतलब पहला पद है ना, एक पद लेंगे, n बराबर 1 का मतलब एक पद, तो ये रहा पहला एक पद। तो इसमें देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो 1×2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1×2 प्राप्त हुआ, ठीक ना। और यहाँ पर हम n का मान 1 रख लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 बटे 3, तो इससे हो जाएगा 1 और 1 2 और 2 और 1 3 बटे 3, 3 कैंसिल हो गया तो बराबर 2 आया, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष आ गया। तो इस प्रकार लिखेंगे जो सत्य है, ठीक ना। तो ये हो गया, हमने n बराबर 1 के लिए लिख लिया। अब लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए माना पी के सत्य है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, जो भी है सब के रूप में लिख लेंगे, पी के 1.2 2.3 प्लस 3.4 प्लस के और के प्लस 1 बराबर, ये लिखेंगे के प्लस 1 के प्लस 2 बटे 3, ठीक ना। तो इस प्रकार ये लिख लिया हमने। अब हम इसमें क्या करेंगे, के प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे पी के प्लस 1 सत्य है। तो हम लिखें, देखें के प्लस 1 पद भी लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पहले लिख लेते हैं, देखिए तो के पद तक तो दिया ही हुआ है, यहाँ लिखेंगे पी के प्लस 1, तो ये हो जाएगा
वन डॉट दो, टू डॉट थ्री, थ्री डॉट फोर प्लस, ये हो गया k और k प्लस वन। तो ये तुमको प्राप्त हुआ k पद। अब इसके बाद k प्लस वन पद चाहिए, तो हम यहाँ पर k प्लस वन पद रख लेंगे। तो n के स्थान पर k प्लस वन रखेंगे और यहाँ पर हम k प्लस वन रखेंगे तो वन और ये तो जगह k प्लस टू हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस वन और ये हो जाएगा k प्लस टू और ये हो जाएगा k प्लस थ्री बटे ये तीन हो गया, ठीक ना। तो ऐसे प्राप्त हुआ। तो इसका देखिए ये बायां पक्ष है और ये इसका दायां पक्ष है, तो हम इसका बायां पक्ष ले कर चलेंगे और हम दायां पक्ष इतना ले कर आएंगे। तो लिखते हैं हम यहाँ पर बायां पक्ष, तो बाएं पक्ष में पूरा है तो इसको हम पूरा ही लिख लेते हैं, एक डॉट दो प्लस तीन डॉट दो डॉट तीन, तीन डॉट चार प्लस, ये हो गया k, k प्लस वन प्लस k प्लस वन और k प्लस टू, ठीक ना। ये बायां पक्ष लिख लिया हमने। देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान तुमको पता है, देखिए ये पूरा ये मान दिया हुआ है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। ये लिखा k, k प्लस वन, k प्लस टू बटे तीन प्लस, ये लिख लेते हैं तो हो गया k प्लस वन और k प्लस टू हो गया। तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो हो जाएगा k, k प्लस वन, k प्लस टू प्लस तीन, तो हो जाएगा तीन k प्लस वन, k प्लस टू बटे ये तीन हो गया। तो देखिए क्या कॉमन है, k प्लस वन के ये दोनों कॉमन है, यहाँ लिख लेते हैं k प्लस वन कॉमन और k प्लस टू कॉमन है, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ k प्लस थ्री बटे तीन। तो देखिए हमको ये दाया पक्ष आ गया, तो हम लिखेंगे ये दाया पक्ष, ठीक ना। तो बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार, पी के प्लस वन सत्य है, ठीक ना। जब कभी पी के सत्य है, ठीक ना। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए Pn सत्य है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 6 हल हो गया।